एबीपीएस न्यूज। कल बाजारगंज मुरादाबाद में साइबर क्राइम को रोकने में प्रोत्साहन देने के लिए मुरादाबाद शहर के हजारों लोग द्वारा मनीष गोयल को बधाई दी गई और गंज बाजार वेव सिनेमा एमडीए कॉलोनी में एक बड़ी एलईडी टीवी द्वारा सुदर्शन चैनल द्वारा दिखाए जा रहे उनके इंटरव्यू को शाम 5 बजे प्रकाशित भी किया गया, जिससे समाज में आम व्यक्ति भी प्रोत्साहित होकर अपराध के खिलाफ आवाज उठा सके। मनीष गोयल द्वारा मार्क जुकरबर्ग को ईमेल के जरिए उनके एक ऐसे व्हाट्सएप के फीचर के बारे में अलर्ट किया गया है, जिससे भारत में क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। मनीष गोयल ने समस्त महानगर वासियों को बताया कि उनके इस विश्वास एवं प्यार को देखकर वादा करते हैं कि भारत से साइबर अपराध को खत्म करने में तन मन धन से प्रयासरत रहेंगे। साथ ही उन्होंने भारत के युवाओं से निवेदन भी किया है कि क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस, मीडिया और राजनीतिक लोगों की ही है? क्या आम आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए साइबर अपराध ना करें, क्योंकि आप एक ना एक दिन पकड़े जाओगे और आप अपने परिवार के साथ ही भारत का भविष्य भी हो। और देश हित के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं, अतः अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं, जिससे अपराधी भी अपराध करते हुए डरने लगे और हमारा मेहनत का पैसा सुरक्षित हो जाए और हमारा देश सुरक्षित डिजिटल इंडिया बन जाए। आज साइबर क्राइम का मुद्दा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिजिटल की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। हम लोग डिजिटल यानी कि हमारा भविष्य बहुत सिक्योर है, लेकिन हमारा पैसा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, किसी अज्ञात देश के द्वारा पैसा निकाला जाता है और एक आम आदमी केवल यही देखता रहता है कि पैसा कहाँ निकला है, किसके द्वारा निकला है। ये जांच करते करते वो थक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता है। मेरा भी ऐसा ही साथ वाक्य हुआ था कुछ समय पहले। मेरे खाते से 25,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई थी, जिसको लेकर मैं गंभीर हुआ, क्योंकि अगर हम अवेयर होने के बाद भी हमारा पैसा चोरी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। उसको लेकर जब मैंने उस बंदे को ट्रेस किया तो वो एक शातिर मुजरिम बिहार रेक्सॉल का निकला, जिसके पास भारत के लाखों लोगों की बैंक डिटेल थी। जब पुलिस को मैंने ये सूचना दी तो शुरू में तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। इस फाइल को लेकर मैं लखनऊ एसटीएफ भी 2 बार गया, लखनऊ डीजीपी ऑफिस गया, योगी जी के जनता दरबार गया, तब भी उन्होंने केवल मुझे आश्वासन दिया। तब उस मुजरिम से मैंने एज ए क्रिमिनल 2 माह चैट की कि तुम ये डाटा कैसे चुराते हो, किस तरीके से चुराते हो, और मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना है। तब मुझे उसने बताया कि हम लोग, हमारे पास भारत के लाखों लोगों की बैंक डिटेल है और हम डाटा हैक करते हैं, उसके द्वारा शॉपिंग करते हैं और उस पैसे को खाते में ट्रांसफ़र लेते हैं। जब मैंने उसको कहा कि ये डिटेल तुम मुझे क्या हिसाब दोगे, उसने कहा मैं आपको 20,000 रुपये में 10,000 लोगों के हिसाब से बैंक डिटेल दूंगा और महीने के एंड में 50% का रेशियो आपका, 50% का मेरा। मुझे जब उसकी ये साजिश पता लगी तब मैंने उसको एक बात और बोली कि इसमें तो रिस्क है। उसने कहा इसमें कोई रिस्क नहीं, क्योंकि हम पूरे भारत से किसी के भी 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकालते और इतने रुपयों के लिए कोई भी व्यक्ति हमारे पीछे नहीं आएगा। ये जानकारी जब मैंने मुरादाबाद SSP सर प्रतिंदर सर को दी, उन्होंने 3 लोगों की टीम और बनाकर मेरे साथ मुझे बेंगलोर भेजा, उसको हम अरेस्ट करके लाए, जिसके पास से भारत के 72,000 लोगों की बैंक डिटेल बरामद हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी की भीम एप्लीकेशन फर्जी चला रहा था, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, रेलवे आदि की वो फर्जी वेबसाइट चला रहा था, जिसके द्वारा एक आम आदमी का पैसा वो ट्रांसफ़र कर लेते थे और हमें ये भी नहीं पता लग पाता था कि ये पैसा कहाँ गया। मेरा भारत के नौजवानों से एक बात कहनी है कि आप लोग जो इन अपराधों की श्रेणी में जा रहे हैं, ये ना सोचिए कि आप पकड़े नहीं जाएंगे, आप 100% पकड़े जाएंगे। ये जो IP एड्रेस होता है वो आपको आज नहीं तो कल ट्रेस करेगा और आप अपने परिवार का नहीं, हमारे भारत का भविष्य हो। इन अपराधों से दूर रहें, इन अपराधों से बचने के उपाय निकालें जिससे हमारा देश तरक्की करे। साथ ही मैं अपने आम जनता से कहना चाहूँगा कि क्या क्राइम रोकने के लिए वर्दी पहनना जरूरी है? हमें ऐसा क्यों सुनने को मिलता है कि अरे यार ये तो सिर्फ 25,000 का केस था, अरे तुम पुलिस में नहीं हो, ऐसा क्यों होता है? क्या सारी जिम्मेदारी मीडिया, पुलिस और राजनीतिक लोगों की है? आम व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो उस व्यक्ति को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? जब हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, तो अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ाइए। देश तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरा निवेदन पुनः कि लोगों को आगे बढ़ाइए। और मैं कुछ गाइडलाइंस द्वारा मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं साइबर क्राइम रोक सकता हूँ। मैं अपनी गाइडलाइन विजय सामला जी के यहाँ पे दिल्ली और VJP ऑफिस में खुद देकर आया हूँ, जिसमें मुझे आश्वासन मिला है कि इन गाइडलाइंस को हम देखेंगे और आपको जवाब देंगे। मुरादाबाद के लोगों से कैसे सहयोग मिल रहा है? सरदारपुर कमेटी आपका कैसे सहयोग कर रही है? मुरादाबाद लोगों का जो विश्वास और प्यार मुझे मिल रहा है, उसको लेकर मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई।
जिसको लेकर ही मैं कुछ गाइडलाइनें बना रहा हूँ। मुरादाबाद में मुझे DIG सर ने, माननीय सांसद जी ने, विधायक जी ने, मेयर जी ने, सराफा कमेटी गंज बाजार अध्यक्ष नीरज अग्रवाल जी, मंडी चौक सराफा कमेटी और भी शहर की व्यापारिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं ने मुझे सम्मान दिया है, जिसको लेकर मुझे लग रहा है कि यार मैंने चलो अपना पैसा बचाया, भारत के 72,000 लोगों का भी बचाया, लेकिन अब भारत का बचना जरूरी है। क्योंकि ऐसे अपराधी ये सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आप ये देखिए कि जब हम दिल्ली जाते हैं तो एक आदमी की सीट बेल्ट गाजियाबाद से क्यों लग जाती है? क्योंकि उसे डर होता है कि लाखों लोगों में भी मैं देखा जाऊंगा। वही डर मुझे इन अपराधियों के मन में बनाना है कि आप कितने ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही दूर बैठ के क्यों ना क्राइम कर रहे हो, लेकिन आप पकड़े जाओ। जैसा कि सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो गरीब लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं उनके साथ ऐसी ठगी होती है, उनके लिए कोई गाइडलाइन या कोई टेलीफोन नंबर जारी किया गया? देखिए, मैंने अभी बैंक की एक मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें बोला था कि आप लोग अवेयर करते हो, मैं मना नहीं कर रहा आप लोग करते हो, लेकिन शायद वो अवेयरनेस उस आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उस पर कोई मैसेज नहीं आते, उसको मैसेज पढ़ने नहीं आते, यहाँ तक कि उसको हस्ताक्षर करने भी नहीं आते। वो लोग कैसे अवेयर हो जाएंगे? इसको लेकर मैंने उनसे कहा कि जब किसी का पैसा निकले, चाहे वो उस आम व्यक्ति की गलती से हो, चाहे वो बैंक की गलती से हो, उसमें उस बैंक के मैनेजर की स्टेटमेंट जानी चाहिए अखबार में कि इसमें इस आम व्यक्ति का ये रोल था, यानी कि ये गलती थी। जब आप अपनी तिजोरी का पासवर्ड किसी को बता दोगे तो उसमें पुलिस, मीडिया, राजनीतिक लोग कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी गलती है। लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे पल्स पोलियो का एक आम आदमी को सरकार ने बीड़ा दिया, आप देखिए हम लोग पोलियो फ्री हैं, ऐसे ही डिजिटल डे बनना चाहिए, शहर की राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं को बीड़ा देना चाहिए कि एक दिन ऐसा निश्चित करें, एक दिन ऐसा निश्चित करें जिस दिन सिर्फ डिजिटल डे पे बात हो, डिजिटल डे के कैंप हो, बैंकों में, गाँव में, हर जगह डिजिटल डे मनाया जाए, उसको लेकर अवेयरनेस आएगी और बहुत अच्छा देश चलेगा। सर, अवेयरनेस करने के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? अवेयरनेस करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी जो बनती है वो सरकार की बनती है, और अगर आम व्यक्ति उसमें साथ नहीं देता है तो ये हमारी गलती है। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आम व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। वो टैलेंटेड लोग दो दिशा में भटक जाते हैं, या तो वो विदेश चले जाते हैं या वो क्रिमिनल बन जाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आम व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए और देश को सुरक्षित किया जाए। क्या है, और श्री सराफा कमेटी मुरादाबाद को मनीष जी पे बहुत गर्व है कि हमारे बीच के एक सर्राफ हैं, हमारे बीच के एक दुकानदार हैं, और इन्होंने जो साइबर क्राइम में ये काम किया है, ये जो इन्होंने एक बहुत जिसे कहना चाहिए रिसर्च की है, इसमें बहुत इनका समय लगा, बहुत पैसा लगा, बहुत मेहनत लगी है, और इन्होंने देश के लिए एक बहुत काबिले तारीफ काम किया है। देश को इन पर गर्व होना चाहिए, हम लोगों को इन पर बहुत गर्व है, और हमने इन्हें सम्मानित भी किया है, और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से भी कि गवर्नमेंट को भी इनकी सेवाएं लेनी चाहिए, और इनकी सेवाओं से वास्तव में देश को बहुत फायदा होगा। सबको इन पर गर्व होना चाहिए।